प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एनेक्सी भवन में मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, महानिदेशक मेडिकल हेल्थ, अपर निदेशक स्वास्थ्य, प्रधानाचार्य बीआरडी मेडिकल कॉलेज, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नगर आयुक्त, एनएच के अधिकारियों, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ कोविड-19 के संक्रमण से बचाव, सड़कों के निर्माण, स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन के संबंध में बैठक किया। बैठक में मुख्यमंत्री ने जनपद में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए लेवल 2 एवं लेवल 3 के बेडों की संख्या बढ़ाकर 1000 तक किया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ऐसी परिस्थिति ना आवे जिससे मरीज को यह कहना पड़े कि हमारे पास बेड नहीं है। उन्होंने कहा कि HMC एवं वेंटिलेटर एवं मानव संसाधन की व्यवस्था कर बेडों की संख्या बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम से होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड संक्रमित मरीजों की नियमित रूप से निगरानी की जाए और प्रतिदिन 2 बार मरीज को फोन कर उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली जाए। यदि तनिक भी लक्षण दिखाई दे तो उन्हें तत्काल कोविड अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 500 बेडेड चिकित्सालय में डेडिकेटेड कोविड का अस्पताल बनाया जाए, साथ ही 100 बेड टीवी अस्पताल में भी ऑक्सीजन एवं वेंटिलेटर युक्त बेडों की संख्या बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिक से अधिक जांच पर बल देते हुए कहा कि एंटीजन किट के माध्यम से प्रतिदिन 2500 जांच कराई जाए तथा डोर टू डोर सर्वे कराकर अधिक से अधिक लोगों की जांच सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने JEE AES की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि स्वच्छता अभियान नियमित रूप से चलाया जाए तथा जहां जल भराव की स्थिति है वहां पानी हटाने की तथा तत्काल छिड़काव आदि की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोहद्दीपुर से जंगल कौड़िया एवं वाराणसी से बाघागाड़ा तथा गोरखपुर से देवरिया फोरलेन सड़क निर्माण की समीक्षा करते हुए मोहद्दीपुर से जंगल कौड़िया के कार्य की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि अति शीघ्र कार्य पूर्ण किया जाए, अन्यथा संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बैठक में उपस्थित नगर आयुक्त को निर्देशित किया कि जनपद में कहीं भी जल जमाव की स्थिति न रहे तथा साफ सफाई की व्यवस्था और बेहतर करने के साथ प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया जाए। बैठक में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी KV जैन पांड्यन एवं अन्य विशिष्ट अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, हटो
ले लेंगे, आप लोगों को फोटो ले लेंगे, यही ले लेंगे, हट जाओ, उनको फोटो लेने दो, उनकी साफ फोटो आ जाएगी सर, हम लोग ले लेंगे, फोटोग्राफ कर लेंगे, कर लेंगे सर। भैया आगे थोड़ा सा, भैया आप हट जाए, हम लोग नहीं जाएंगे भाई, ऐसे बोल दो, क्लियर कर, कहाँ गया आगे हो गया मुख्यमंत्री। देखिए सबसे प्रथम तो सर ने जो कोविड का संक्रमण है उससे बचाव के लिए और गोरखपुर जनपद में क्या चीज़ें की जा रही हैं उसके लिए तैयारियों का जायज़ा लिया है और सर ने जो है बेड बढ़ाने पर जोर दिया है और इस बार उनका निर्देश बड़ा क्लियर है कि L2 और L3 के गोरखपुर जनपद में 1000 बेड होने चाहिए। कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए जिसमें हम किसी पेशेंट को ये कहें कि उसके पास L2 L3 का बेड नहीं है और उसके लिए जो भी वेंटिलेटर और HFNC या जो भी कंज्यूमेबल्स की व्यवस्था की जानी है उसके लिए निर्देश दिए हैं शासन से भी और डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन भी उपलब्ध थे। द्वितीय BRD में जो 500 बेडेड पेडियाट्रिक हॉस्पिटल बन रहा है उसमें 300 बेड का कोविड फैसिलिटी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं और पहले उसमें 100 बेड का और उसके बाद हम उसको ऊपर ले जाएंगे 300 बेड के लिए और उसके अलग से निर्देश दिए गए हैं जिससे कि BRD में भी जो है बेड की जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाए और यही निर्देश देवरिया कुशीनगर महाराजगंज के लिए भी है कि वो भी वहाँ पर भी 50 से 100 की हम L2 फैसिलिटी इमीजिएटली बना दें और उस पर हम लोग कार्य करेंगे। कई चीज़ों की जो उपलब्धता है वो सर ने निर्देश दिए हैं कि उनको इमीजिएटली सुनिश्चित किया जाए
संचारी रोग में स्वच्छता का बहुत जोर है। माननीय मुख्यमंत्री जी आने से पहले सर ने हवाई दौरा ही करके जल भराव की स्थिति क्या है उसका जायजा लिया था और कई पॉइंट पर उन्होंने नगर आयुक्त और GDO को निर्देश दिए हैं कि इसमें कैसे जल भराव नहीं होना चाहिए। पंपिंग जो मोबाइल पंप हैं उसकी संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। स्पेशल ड्राइव लेने के लिए प्रयास करना है और जहाँ पर बाढ़ में पानी भरा हुआ है और उसमें 2 से 3 महीने तक पानी भरा रहेगा वहाँ क्लोरीन की उपलब्धता हो जाए और पानी गर्म करके लोग पिए इसकी अवेयरनेस के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। संचारी रोग में पिछले साल की तुलना में इस बार हमारे जो पेशेंट्स आए हैं कम हैं लेकिन सर के निर्देश ये हैं कि इसको बिल्कुल न्यूनतम करना है। तीसरी जो है वो सर ने जो मुख्य पथ हैं उसकी समीक्षा की जिसमें सर्वप्रथम था मोहद्दीपुर जंगल कौड़िया और उसमें सर ने निर्देश दिए हैं कि इस कार्य में विलंब जो हुआ है उसमें कार्रवाई की जाएगी और इसलिए सर ने आखिरी मौका दिया है विभाग को PWD NHO कॉन्ट्रैक्टर को कि इस कार्य को अतिशीघ्र पूर्ण किया जाए और उसमें सर के निर्देश हैं कि तीनों शिफ्ट में काम हो, लेबर्स की संख्या बढ़ा के 500 तक ले ली जाए और हम लोगों को इसको मॉनिटर करना है जिला प्रशासन और मैं स्वयं भी इसको मॉनिटर कर रहा हूँ। इसके अलावा गोरखपुर बनारस का जो पथ है वो और असुरन और आपका जो BRD मेडिकल कॉलेज पथ गोरखपुर देवरिया पथ इनकी भी चर्चा हुई है और इसके भी कार्य को पूर्ण गति से चलाने के कहा गया है। PWD नेशनल हाईवे और NHAI तीनों अधिकारी थे और तीनों को ये कहा गया है कि बरसात का मतलब ये नहीं है कि काम बंद रहेगा, जिस पल पानी गिर रहा है उसको छोड़ के बाकी कार्यों में जिस जो किए जा सकते हैं क्योंकि कई दिनों तक पानी नहीं गिरता है कार्य को पूर्ण किया जाना है और हम लोग इसको मॉनिटर करेंगे। आशा करते हैं इसको जाड़े तक हम ये पथों के काम भी पूर्ण करेंगे।